सेना के जवान राष्ट्रीय सम्मान दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी सबसे नमन कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी। प्रधानमंत्री जी अपनी बहन को भारी मन से नम आंखों से विदाई देंगे। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, he has come to pay his last respects to his sister, to a bond that was beyond words, to a bond that was a very, very sacred one, that of a bond of uniting with the country, of unity, of brotherhood, of love, of peace, of unity. आणि शोकाकुल वातावरणामध्ये शिवतीर्थावर मावळत्याच्या सूर्याच्या साक्षीने इट इज जस्ट ऍप्ट दॅट द प्राइम मिनिस्टर पेज लास्ट रिस्पेक्ट टू हिज सिस्टर। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या ठिकाणी पंडित रूप नारायण त्रिपाठी जी की एक रचना पीर टाले न टल रही होगी, यूं तबीयत मचल रही होगी, तुम चिता देख कर न घबराना, आत्मा घर बदल रही होगी। प्रधानमंत्री जी नम आंखों से अपनी दीदी को नमन करते हुए भरे मन से अश्रु से भरी आंखें आप देख सकते हैं। आपल्या प्रत्येकाच्या भावना खऱ्या अर्थाने आज आपल्या सासू नयनातून आपण सगळेजण व्यक्त करतोय, तर असा क्षण कधी आपल्याला आयुष्यात लवकर येईल असं वाटलं नव्हतं। आपल्या स्वरातून आपल्या मनावर अधिवाच्य गाजवणाऱ्या गालू गाजवणाऱ्या त्या लतादीदी आपण आज अखेर सगळे होतोय। माननीय राज्यपाल डॉक्टर भगतसिंग कोश्यारी या ठिकाणी दीदींना पुष्पचक्र अर्पण करून आदरांजली अर्पण करणार। माननीय राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, महाराष्ट्र के गव्हर्नर भारतरत्न लता मंगेशकर यांना भगतसिंग कोश्यारी जी आदरांजली अर्पण व्यक्त करतात। अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी आणि पर्यटन मंत्री माननीय आदित्यजी ठाकरे या ठिकाणी दीदींना भारत रत्न लता मंगेशकर त्याचबरोबर पुष्पचक्र अर्पण करून आपली आदरांजली श्रद्धांजली देते हुए पूरे महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से माननीय नरेंद्र जी मोदी ठाकरे जी माननीय लता दीदींच्या सर्व कुटुंबियांना या ठिकाणी त्यांची सांत्वनपर भेट या ठिकाणी होते आणि दुसरीकडे राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री यांनी आता नुकतंच दीदींना पुष्पचक्र अर्पण केलं आणि सौरश्मी बहिणी आणि त्याचबरोबर पर्यटन मंत्री आदित्यजी ठाकरे या दीदींना पुष्पमाला अर्पण करून आपली आदरांजली व्यक्त करतात।
पीयूष गोयल साहब, केंद्रीय मंत्री माननीय पीयूष गोयल या ठिकाणी दिव्य आदरांजली व्यक्त करता है, त्याचबरोबर माननीय खासदार माननीय सरचिटणीस पवार हे देखील या ठिकाणी दिव्यांना आदरांजली वाहत आहेत। अमर रहे, अमर रहे, पूरा प्रांगण गुंज रहा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, 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 अमर रहे, अमर रहे, अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहेगा। जय घोष। लता दीदींना पुष्पचक्र वाहून आदरांजली वाहत आहेत। तत्पूर्वी त्याच्या अगोदर गोव्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत यांनी देखील दीदींना त्या ठिकाणी आदरांजली वाहिली। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी मिल रहे हैं आशा जी से, जुनई से, उषा जी से, परिवार के सभी सदस्यों से। मुंबईकरांच्या वतीने मुंबईच्या प्रथम नागरिक तथा महापौर माननीय किशोरताई पेडणेकर या ठिकाणी लता दीदींना आदरांजली वाहत आहेत।